तो फिर जब वो आते थे एक एक दिन में, ऐसा क्या हो जाता था कि वो लोग बिछड़ जाते थे? अगर मैं उसे कंट्रोल कर रही होती मैम, तो जब वो चंडीगढ़ गया, वहां पे रहा जनवरी में, एक दो दिन में वो वापस आ गया। मेरे चैट्स में मेरे पास प्रूफ है कि मैंने उसे वापस नहीं बुलाया है, वो खुद आया है। इनफैक्ट मुझे बाद में पता चला साहिल और बुद्धा सिद्धार्थ पठानी के थ्रू कि सर निकल गए। मैंने कहा, मुझे लगा एक दो महीना रह के आएंगे, दैट्स एक्चुअली व्हाट आई थॉट। तो उन्हें उन्होंने उसे आने क्यों दिया, वापस क्यों आने दिया? अगर उन्हें लगता था कि मैं उसे आइसोलेट कर रही हूँ, मैं उसका घर चला रही हूँ, ये सारे एलिगेशन उन्हें लगते थे, तो व्हाई वुड दे अलाउ हिम टू लीव? सबसे खराब बात है कि वो उनसे अगर प्यार करती थी और उनके साथ रही थी, तो वो कैसे नहीं मेरा पेन देख सकती हैं। दूसरी बात, उनसे उन्होंने 4 साल में बात नहीं की है, ये उनका ही स्टेटमेंट है अभी जो मैं जानती हूँ। और उनके घर में रह रही थी, उनके फ्लैट में रह रही थी। उन्होंने एक पार्ट का पिक्चर दिखाया है कि उन्होंने एक पार्ट का पेमेंट किया है 1 करोड़ का, बाकी के 3-4 करोड़ सुशांत के पैसे हैं जिसकी ईएमआई वो आज तक भर रहा है और भर रहा था। उसके बारे में कोई बात नहीं करेंगी, कि बीच की जो 403 के बारे में बात नहीं करेंगी, बीच की जो दीवार टूटी थी, उनकी फैमिली वहां रह रही थी और सुशांत बिल्स पे कर रहा था, जिनसे उनकी बात नहीं हुई 4 साल में। मुझे तो ये फाइनेंशियल एक्सप्लॉयटेशन लगता है। और कैसे कन्वीनियंटली उन्होंने ये वाला रूप लिया है कि वो उनकी विधवा है, जबकि वो किसी और के साथ एंगेज हैं, जो कि सुशांत और अंकिता के दोस्त थे ड्यूरिंग उनके रिलेशनशिप के दौरान।